हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आपका चैनल पर फ्रेंड्स आज हम नए डिज़ाइन में अंगूठे वाली सॉक्स बनाएंगे बनाने में बहुत ही आसान है बहुत ही सुंदर लगती है फ्रेंड जिसको उल्टा सीधा बनाना आता है वो इस सॉक्स को बड़ी आसानी से बना लेगा फ्रेंड मैंने ये दो कलर लिए हैं कलर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड दस नंबर की सिलाई ली है फ्रेंड इसमें मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस तो मैंने फ्रेंड ये बीस रोकी हैं तो हर रो हर कलर की मैंने ये दो दो रोकी हैं फ्रेंड मैंने सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी मैंने उल्टा उल्टा बुना है फ्रेंड तीन सिलाई करने के बाद हम फोर्थ सिलाई में उल्टी साइड से हम बुल चेंज करेंगे अब हम उल्टी साइड पे हैं उल्टी सिलाई में फ्रेंड हम बुल चेंज करेंगे उल्टा उल्टा बुनते फ्रेंड्स हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे फिर हम उल्टी साइड पे आएंगे वह तो उल्टी साइड पे आ गया पहला फंदा उतार लेंगे अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और हम अट्ठतीस फंदे बुन लेंगे फ्रेंड इसके टोटल हम 38 फंदे बुनेंगे फ्रेंड मैंने ये 38 फंदे बुन लिए हैं हम अब ये बाईस फंदे हम नहीं बुनेंगे यही से हम उल्टा देंगे हम अब उल्टा उल्टा, उल्टा बुनेंगे अब हम सो... अब हम सोलह फंदे टोटल बुनेंगे ठीक फ्रेंड मैंने ये पंद्रह फंदे बुन लिए हैं सोलह फंदा हम कैसे बुनेंगे ये दो फंदों का एक करेंगे हम यहाँ से ये देखिए एक फिर हम उल्टा देंगे उल्टी साइड पे फिर हमने बीच में सोलह फंदे ही बुनने हैं तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलवा फंदा एक फंदा ये एक फंदा यहाँ से जो हमने ये बाईस फंदे रखे थे वहाँ से एक फंदा और ये सोलवा फंदा यहाँ से हम दो का एक कर देंगे फिर उल्टा देंगे एक फंदा हम यहाँ से लेंगे एक फंदा हम यहाँ से लेंगे तो सोलहवा फंदा हमारा दो फंदों का एक हो जाएगा यहाँ से फिर उल्टाएंगे पंद्रह ये सोलवा फंदा ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये फंदा एक सोलवा ये और इससे एक नेक्स्ट फंदा हम दो का एक कर देंगे ये देखिए फिर उल्टा देंगे फिर उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे फिर ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये सोलवा फंदा और इसके साथ वाला फंदा हम दो का एक कर देंगे यहाँ से फंदे हमारे कम होने शुरू हो जाएंगे फिर उल्टा देंगे फिर देखिए फ्रेंड दो तीन चार पाँच छत आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फंदा ये सोलहवा उसके साथ वाला फंदा हम दो का एक कर देंगे ये फिर उल्टा देंगे फिर वैसे ही करेंगे फिर फिर ये हम एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से तब तक कम करेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पे आठ फंदे नहीं बच जाते दो चार छः आठ आठ फंदे तक हम इसको कम करेंगे आठ फंदे हमारे इस यहाँ बचने चाहिए आठ ही फंदे हमारे यहाँ पे बचने चाहिए दोनों साइड से आठ आठ फंदे हमारे बच गए हैं जैसे दो चार छ आठ देखिए फ्रेंड इधर से भी दो चार छ आठ दोनों साइड से आठ आठ फंदे, फंदे हमारे बच गए अब हम सीधी साइड पे हैं ये, ये हम पंद्रह फंदे हमने बुने हैं ये सोलहवा फंदा है और दो हम क्या करते हैं सोलवा ये फंदा और ये फंदा दोनों का हम दो फंदों का हम एक करते हैं ये देखिए अब यहीं से उल्टा देंगे अब हमारे यहाँ पे दो दो चार छ सात सात फंदे बच गए अब हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो अब हम आठ फंदे हम बुनेंगे क्योंकि हमारे ये सोलह फंदे हैं तो आठ फंदे मैंने ये बुन लिए अब फ्रेंड अब हम आगे नहीं बुनेंगे यहीं से उल्टा देंगे अब हम थम और फिंगर बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठवां फंदा ये वाला और इसके साथ वाला इसको अब हम इस तरह से दो का एक करेंगे ये फंदे हम कम करेंगे फिर यहीं से उल्टा देंगे पहला फंदा उतार लेंगे एक दो सात आठ फिर यहीं से उल्टा देंगे अब हमने ये वाले फंदे कम करने हैं छ सात अब ये आठवां फंदा और उसके साथ वाला फंदा अब ये दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से उल्टा देंगे फिर हम ये आठ फंदे बुन लेंगे फिर उठा के फिर हम ये आठ फंदे और आठवां फंदा और एक फंदा ये एक फंदा हम दो का एक करेंगे इस तरह तो फ्रेंड इस तरह से हम ये सारे फंदे कम कर लेंगे मैंने इस साइड के सारे फंदे कम कर लिए अब हम क्या करेंगे अब इस साइड कोई फंदा कम नहीं होगा अब हमने इन्हीं आठ फंदों को बार बार बुनना है पहला फंदा उतार लेंगे ये सारी उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे फिर सीधी साइड पे आ गए सीधी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे ये देखिए फ्रेंड फ्रेंड हमने सीधी साइड भी और उल्टी साइड दोनों साइड हमने उल्टा उल्टा बुन के इसकी हमने ग्यारह रो बना लेनी है यानी हम टोटल बाईस सिलाई करेंगे दो सिलाई हमारी हो गई है अब हम बीस बीस सिलाई हम और करेंगे ये पल वाई लाइन हमारी ग्यारह आएंगी फ्रेंड्स मैंने ग्यारह रो बना ली है फ्रेंड इसी तरह से हम इस साइड भी करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे कम किए थे ये इस तरह से हम यहाँ पे भी फंदे कम करेंगे ये यह यहाँ से हम ये वूल को हम काट देंगे ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी दो चार छः आठ तो ये हमारे आठ फंदे हैं तो पहले इनको बुन लेते हैं साथ अब ये आठवां फंदा है उसके साथ वाला फंदा है दोनों दो फंदे लेके इसको एक कर देंगे फिर उल्टा देंगे फिर इन्हीं आठ फंदों को बुनेंगे हम यहाँ से फिर उल्टा देंगे उल्टी साइड पे आ गया फ्रेंड पहला फंदा उतार लेंगे ये आठ फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे फिर ये आठवां फंदा और इसके साथ वाला फंदा हम दो फंदों का एक करेंगे सीधी साइड पे आ जाएंगे फ्रेंड इसी तरह से हम ये वाले फंदे कम करेंगे उसके बाद फिर हम आठ फंदों को हम बार बार बुनेंगे जब हमने ग्यारह रो बनाई हैं वैसे ही हम यहाँ पे पल वाइज ग्यारह रो बना लेंगे अब इनको हमने बंद नहीं करना उसके बाद फिर मैं बताऊँगी इन फंदों को हमने आगे कैसे बुनना है तो फ्रेंड दोनों साइड से मैंने ग्यारह ग्यारह इसकी रो बना ली है अब फ्रेंड्स हमारे दोनों फंदे एक साइड पे आने चाहिए तो ये मेरे सीधी साइड पर आ रहे हैं ये देखिए अगर नहीं आ रहे आपके तो आप एक दो सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लीजिए तो एक साइड पर आने चाहिए आपके फंदे फ्रेंड आठ फंदे ये हैं आठ फंदे ये हैं टोटल सोलह फंदे हैं अब हमने कोई फंदा कम नहीं करना कोई फंदा हमने बढ़ाना नहीं है अब इन्हीं फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे अब इन्हीं फंदों को हमने बुनना है ये देखिए आठ फंदे बुन लिए अब ये फंदे भी हम इसके साथ ही बुन लेंगे ये देखिए फ्रेंड इकट्ठा बुन लिया अब उल्टी साइड पे आ गई अब उल्टी साइड पे भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे हमने सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड पे हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी हम अठारह रो बना लेंगे यानी छत्तीस सिलाइयाँ हम कर लेंगे फ्रेंड एक रो हमने बना लिया है और हम सतारह रो और इसकी और बना लेंगे फ्रेंड मैंने ये अठारह की बजाय बाईस रो बना ली है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस अगर आप छोटा बना रहे हैं तो आप इसकी जगह हारा रो करें या सोलह रो आप बना सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे ले ले। फिर दो का एक करेंगे फिर इस फंदे की सिलाई में ले लेंगे ले ले। इस तरह से हम फ्रेंड्स ये पूरे दे यहाँ तक बंद कर लेंगे फ्रेंड मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है अब इस इस सॉक्स की अब हम हम सिलाई करेंगे फैंड ये हमारी सीधी साइड है अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से उल्टी साइड से हमने ये सिल लिया अब इसको हम सीधा करेंगे अब ये वाली साइड को हम इस तरह से करेंगे इस तरह से करेंगे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रखेंगे ऊपर यहाँ से ये सारी साइड ये सारी साइड सिलेंगे और यहाँ फ्रेंड अब निशानी के तौर पे मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ या। दूसरी साइड भी लगा देती हूँ अब हम इस चौक को उल्टा करेंगे अब इसको हम यहां से सिलेंगे फिर मैंने ये दोनों साइज से सिल लिया है अब हम ये अंगूठे सिलेंगे अंगूठा और फिंगर यहाँ से सिलेंगे यहाँ से सिलेंगे फ्रेंड मैंने यहाँ से भी सिल लिया अब इसको सी, सीधा करेंगे इसके साथ ही फ्रेंड्स नए डिज़ाइन में अंगूठे वाली सॉक्स बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय